रानीगंज के बंस प्लॉट इलाके के निरीक्षण के बाद आसनसोल डीआरएम परमानंद शर्मा के ट्वीट से मचा हड़कंप। रानीगंज बंस प्लॉट के बासिंदे हुए आतंकित। बंस प्लॉट के बासिंदों ने कहा, हम अतिक्रमणकारी नहीं हैं, जमीन के असली मालिक हैं, कोर्ट में देंगे अपने मालिकाने हक का प्रमाण। आसनसोल रेलवे डिवीजन के डीआरएम परमानंद शर्मा ने गत शनिवार को रानीगंज रेलवे स्टेशन के पास स्थित बंद स्टैंडर्ड की जमीन का निरीक्षण किया था। उनके इस निरीक्षण को लेकर आसनसोल डीआरएम के आधिकारिक ट्विटर पेज पर एक ट्वीट किया गया है और अब इस ट्वीट को लेकर बंस प्लॉट के बासिंदों के बीच हड़कंप मच गया है। ट्वीट में अतिक्रमणकारी बताए जाने का बंस प्लॉट के लोगों ने कड़ा विरोध जताया है। इस इलाके में पिछले 40 से 50 वर्षों से भी ज्यादा समय से रह रहे हैं लोगों ने खुद को अतिक्रमणकारी बताए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इलाके के लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे लोग अतिक्रमणकारी नहीं हैं और उन लोगों के पास बर्न स्टैंडर्ड से खरीदी गई जमीन का रजिस्टर्ड डीड मौजूद है। आइए क्या लिखा है ट्वीट में आपको बताते हैं। डीआरएम आसनसोल के ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि आसनसोल रेलवे डिवीजन के डीआरएम परमानंद शर्मा ने संबंधित शाखा अधिकारियों के साथ रानीगंज स्टेशन के पास बर्न स्टैंडर्ड के अतिक्रमण क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जिसे रेलवे द्वारा हाल ही में टेक ओवर किया गया है। डीआरएम ने अतिक्रमण के मुद्दे पर कब्जाधारियों के साथ शांतिपूर्ण चर्चा की और रानीगंज स्टेशन का निरीक्षण किया। बंस प्लॉट के निवासी ऋषभ खंडेलवाल ने कहा कि हम लोगों के पास जमीन का रजिस्टर्ड परचेज डीड है। वर्ष 1974-75 की रजिस्टर्ड परचेज डीड उनके पास मौजूद है और हम लोग 50 वर्षों से परिवार के साथ यहाँ रह रहे हैं और अपना बिजनेस खड़ा किया है। अब डीआरएम के ट्विटर अकाउंट पर ये कहना कि हम लोग अतिक्रमणकारी हैं जो बिल्कुल निराधार है और हम लोग इसका खंडन करते हैं। ऋषभ खंडेलवाल ने कहा कि डीआरएम जब बर्न स्टैंडर्ड के दौरे पर आए थे तो उन्हें हम लोगों ने यह बात बताई थी, हम यहाँ अतिक्रमणकारी नहीं हैं और ना ही यहाँ किसी तरह का कब्जा कर रखा है। इसके बावजूद उनकी बात को नजरअंदाज कर एक तरफा ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि अब तक हम लोगों को रेलवे से कोई नोटिस नहीं मिला है और अगर रेलवे कोई कार्रवाई करता है तो हम लोग कोर्ट जाएंगे और जरूरत पड़ने पर आंदोलन करेंगे। यहाँ पर रहने वाले जो रेसिडेंट्स हैं, जो यहाँ के बासिंदे हैं, उन सबके पास रजिस्टर्ड परचेज डीड है जो बकायदा और आज करीब 50 सालों से यहाँ पर अपने घर परिवार अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करके वो यहाँ पर रह रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये कहना कि रेलवे का ये कहना कि ये एनक्रोचर है, ये बिल्कुल निराधार है एवं इसका हम खंडन करते हैं। हमारा ये कहना है कि हम सब यहाँ पर रजिस्ट्री के आधार पर कब्जे के उसके बेसिस पर हम यहाँ पर रेसिडेंट है। बर्न एंड कंपनी से हमको रजिस्टर्ड सेल डीड है और हमारे पास वो परचेज डीड मौजूद है। हम इस रेलवे का इस ट्वीट को पूरी पुरजोर खंडन करते हैं और इसका आधारहीन तथ्यों पे होने के कारण इसका हम विरोध करते हैं। देखिए, आगामी दिन में अभी रेलवे की तरफ से कोई हमको नोटिस मिला नहीं है। अगर रेलवे किसी तरीके का कार्रवाई लीगल कार्रवाई हमको एविक्ट करने के लिए या किसी तरीके का नोटिस जारी करता है तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। हम अपने हक को एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट में जाएंगे एवं हम एजिटेशन तक का इसके रेलवे के विरुद्ध मोर्चाबाजी या एजिटेशन भी हम करेंगे। बंस प्लॉट के निवासी ललित खैतान ने कहा कि डीआरएम जब बंस स्टैंडर्ड की जमीन का परिदर्शन करने आए तो उन्हें हम लोगों ने जमीन के रजिस्टर्ड परचेज डीड दिखाए थे। हम लोगों ने वर्ष 1973 में बंस स्टैंडर्ड कंपनी से जमीन खरीदी थी, लेकिन डीआरएम के ट्वीट देखकर दुख हुआ जिसमें अतिक्रमणकारी बताया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब हम लोगों के पास जमीन से जुड़े कागजात मौजूद हैं तो फिर किस आधार पर हमें अतिक्रमणकारी बता दिया गया। परिदर्शन करके बंस प्लॉट की पूरी जगह को उन्होंने देखा। हम लोगों ने उनको टोटल डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाया कि हम लोगों ने 1973 में बर्न एंड कंपनी से ये जगह परचेज की थी। वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने देख लिया और हर चीज़ का उनको लगा कि हाँ ये सही है।
तो उन्होंने एकदम क्लियर शब्दों में कहा कि देखिए कि मैं तो कोई ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ इसका कि ये डिसीजन लूँ कि ये सही है या गलत है, मुझे एक नज़र में ठीक है लग रहा है सही होगा, तो ये डिसीजन तो कोर्ट से होना है, मेरी जो कार्रवाई है मुझे करनी पड़ेगी ड्यू टू मुझे जो भी ये है ऊपर से जो सिस्टम है वो फॉलो करना है। तो हम आप लोगों को नोटिस देंगे, आप लोग नोटिस के हिसाब से जो कार्रवाई करनी है स्टे लाना है जो करना है आप परचेजर है परचेज की वो स्वतंत्र आप करने के लिए। तो ये बहुत क्लियर बात हुई थी कि आप अपनी जगह सही है मैं अपनी जगह सही हूँ, मैं आपको नोटिस दूंगा आप नोटिस के आधार पर जो भी कार्रवाई करना चाहें आप स्वतंत्र लोग कीजिए। किंतु आज उनका जो ट्वीट मैंने देखा वो ट्वीट देख के मन में थोड़ा दुख हुआ कि भाई हम लोग तो बहुत नीट एंड क्लीन बात की तो वो फिर बोल रहे हम लोग इंक्लोजर हैं, ये बात जरा कम समझ में आई। तो हम लोगों का इस चीज के लिए बहुत विरोध है, हम लोग ये इंक्लोजर नहीं है, हम लोगों ने लैंड वाकायदा ड्राफ्ट से पेमेंट करके लैंड खरीदी है और हम लीगल 50 साल से रह रहे हैं हम लीगल यहाँ के ओनर हैं। रानीगंज से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।